जैसा कि नारद जी ने लच्छी देवी से कहा कि अगर घर में सुख शांति चाहिए तो आपको संतोषी माँ का अनुष्ठान करना होगा, तो आज हम लोग संतोषी माता के मंदिर आए हैं अनुष्ठान के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि यहीं प्यार स्वाति भी है और स्वाति की डुप्लीकेट बबली, तो थोड़ा सा केओस वाला सीन है, सब मिक्स हो गया है, पत्थर सी यू नो, तो देखते हैं कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और इन सब में कि क्या होता है इसमें संतोषी माता का और कौलमी दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएँ हर सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे ओनली ऑन NTV। असर रानी पौलमी का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वेल, हम जो अभी सीक्वेंस शूट कर रहे हैं संतोषी माँ के मंदिर में, ये है अनुष्ठान जिसे स्वाति और इंद्रेश को साथ में करना है, जो पौलमी बिल्कुल होने नहीं देना चाहती है, जिसकी वजह से वो आई है संतोषी माँ के मंदिर में। लेकिन ऐसा क्या होगा जिससे इनके अनुष्ठान में होगी प्रॉब्लम, देखने के लिए देखिए संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं मंडे टू फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन एंड। नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और देखिए आज हम कहाँ आए हैं। आज हम आए हैं इस दिव्य संतोषी माँ के मंदिर में। यस, ये संतोषी माँ का मंदिर है जहाँ पर स्वाति सह परिवार देवेश के साथ आई है और जो बबली है वो भी इंद्रेश के साथ आई है। तो ये एक मेजर सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ही टेंट बहुत बार होता है और यहाँ पर वो आते हैं अनुष्ठान के लिए, संतोषी माँ के पूजा करने आते हैं। और क्या होता है, कैसे स्वाति और इंद्रेश एक दूसरे को देखते देखते रह जाएंगे या मिल जाएंगे, और देवेश को क्या स्वाति और बबली का रहस्य पता चल जाएगा, क्योंकि बबली और स्वाति दोनों एक ही मंदिर में हैं। तो बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड है और बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, तो प्लीज़ देखिए और जानिए क्या होता है आगे इन संतोषी मसलाएँ व्रत कथाएँ ओनली ऑन NTV @9 PM।